तो दोस्तों मैं भी निकल रहा था, मेरी अपॉइंटमेंट है जैसे मैंने बताया था 15 दिसंबर आज, एंड मेरी अपॉइंटमेंट है बायोमेट्रिक की, वीज़ा रिन्यू का। तो निकल रहा था, बारिश होगी तो मुझे अब रेनकोट पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। मुझे बाइक में हार्डली 20 मिनट लगेंगे माल्टा एंटी पहुँचने के लिए, जो कि एमसीडा में है, वैले रोड में। तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए, क्या क्या पूछा रिन्यू का। जैसे आप लोगों को पता है मेरा अभी लाइसेंस आया नहीं हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ वही है, थ्योरी टेस्ट है और जो लर्नर परमिट है वही है। वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे वीज़ा रिन्यू कराते समय मेरे से मेरा मुझे ब्लू पर देते हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि नहीं दे रहे हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकियों को मेल भी आता है कि कईयों को कि आपका हम वीज़ा रिन्यू करेंगे नहीं, ब्लू पर तो मिल जाएगा, मिलने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूमर्स भी हैं। इसमें से क्लियर होगा अभी जाके, मेरी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 1 बज रहे हैं। और लेट्स सी, अब मैं जाता हूँ और मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मुझे ब्लू पर मिला है, कितने टाइम के लिए मिला है और क्या होता है, लेट्स सी। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अभी आइडेंटी माल्टा में हूँ, और ये बिल्डिंग है और यहाँ पे आपने देखा होगा ये आइडेंटी का लिखा हुआ, पहले यहाँ पे लिखा हुआ करता था माल्टा आइडेंटी। चलो लेट्स गो इनसाइड, मैं अब अंदर जाता हूँ, फिर बताऊँगा आपको क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे रिन्यू के लिए। तो दोस्तों आज जैसे आपको पता था कि मेरा माल्टा आइडेंटी में मैं गया था, मैं तो मेरा ब्लू पेपर मुझे मिल गया है। और सबसे पहले तो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है, चाहे आप फ्रेश हो चाहे आपका रिन्यू हो, आपको जब आप ऑफिस में जाओगे अंदर तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी होगा और आपने उनको अपना अपॉइंटमेंट दिखाना है, और उसके बाद फिर वो आपका नाम चेक करेगा, उनकी लिस्ट होती है, उनकी उसकी लिस्ट में अगर नाम होगा तो फिर आपको आगे भेज देगा। तो फिर मेरे को बोला कि सेकंड लास्ट डोर में चले जाओ आप। तो जैसे मैं सेकंड लास्ट डोर में गया तो वहाँ पे आपको जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही वहाँ पे एक फीमेल थी ऑफिसर, सिक्योरिटी थी वो, उन्होंने फिर मेरे को मेरा अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट में सारा कुछ लिखा होता है, आपका रेजिडेंस नंबर हो गया, आईडी कार्ड नंबर हो गया, तो मेरा पासपोर्ट लिया और सभी उन्होंने फिलअप कर दिया जो भी होता है वो। वहाँ पे हमारी बायोमेट्रिक होती है, फिंगर वगैरह सारा वहीं पे होता है हमारा। तो वो डन होने के बाद फिर हमको बोलते हैं बैठ जाने के लिए, बैठ जाने के बाद जो भी काउंटर खाली होगा हमको वहाँ जाना होता है। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पे जिन्होंने मेरा मुझे जिन्होंने ब्लू पेपर देना था, ये हाँ बाय द वे ये ब्लू पेपर है, तो इस पर यहाँ पे लिखा होता है टेम्परेरी ऑथराइज टू वर्क। मतलब किसी किसी लोगों को ये मिलता भी नहीं है जिसमें ऑथराइज वर्क लिखा नहीं हुआ है, तो बहुत लोगों को मिलता भी है ऐसे ही लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ है टेम्परेरी ऑथराइज टू वर्क, इट मीन्स आप काम नहीं कर सकते हो, अगर लिखा है तो आप काम कर सकते हो। अगर कोई पकड़ लेगा तो इशू बनता है, अदरवाइज कोई इशू होता नहीं, वैसे चेकिंग वगैरह कम ही होती है, पर बैड लक अगर हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मेरा उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया और पासपोर्ट लेटर, पासपोर्ट मांगा मेरे से, दो चीज़ें ये थी, और थर्ड में उन्होंने मेरे को बोला कि जो मेडिकल का जो हेल्थ जो मेडिकल का जो था अप्रूवल वो दे दो मुझे। ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ मुझसे मांगा नहीं। और ये मुझे पूछा कि किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैंने कहा कि डिलीवरी कोरियर के लिए, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कैन आई हैव अ मल्टी लाइसेंस। तो फिर मैंने बोला आई डोंट हैव अ मल्टी लाइसेंस बट आई ऑलरेडी अप्लाई एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फाइनल टेस्ट, ऐसे मैंने बोला। तो उसके बाद फिर वो पजल हो गई, कुछ बोली नहीं, वो उठ के बाहर चली गई, मतलब दूसरे अपने कुलीग के पास। मैं डर गया, मैं क्या पता नहीं क्या होगा अब क्योंकि रिक्वायरमेंट तो यही है कि रिन्यू करवाने के लिए जब सेकेंड ईयर आपका चल रहा होता है तो फिर आपके पास मल्टी लाइसेंस होना चाहिए, मेरे पास नहीं था। तो फिर मैं डरा हुआ था क्योंकि सडनली कोई उठ के चले जाए तो फिर डेफिनेटली आपको डर लगेगा। तो उसके बाद फिर आई और मुझे उन्होंने पूछा कि आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस है, मैंने कहा हाँ है। तो फिर मैंने वो दिया, उसकी उन्होंने जेरोक्स कॉपी निकाली, वैसे मैं जेरोक्स कॉपी लेके तो गया था लेकिन मैंने उनको बोला नहीं मेरे पास पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने जेरोक्स कॉपी निकाली, उसके बाद फिर सारा डिटेल वगैरह चेक किया जो भी उन्होंने करना था। उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने बोला कि आईडी वगैरह तो मेरी उन्होंने रख ली थी क्योंकि 30 जनवरी तक मेरी आईडी वैलिड थी और ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले मैं अपने सबमिशन कर रहा हूँ, 1.5 महीने पहले मैं रिन्यू के लिए मैं सबमिशन कर रहा था सारा डॉक्यूमेंट। तो फिर मेरे को उन्होंने वो क्या बोला कि लाइसेंस कब तक बनाओगे आप। तो मैंने कहा कि मैं तो अपने फाइनल डेट की वेट कर रहा हूँ, जून में मैंने थ्योरी टेस्ट क्लियर की थी और तभी मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो फिर मैंने बता दिया क्लियरली कि फर्स्ट टाइम मैं फेल हो गया था, तो जिस वजह से फिर मेरे को 2 से 2.5 महीने फिर टाइम मुझे वेट करना पड़ा।
तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सेकेंड ईयर में आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, मेरे को बोला। मैंने कहा कि मेरा एक्सपायर होने वाला है, लेकिन मैं एक्सपायर होने से पहले पहले मैं लाइसेंस ले लूँगा, मैंने उनको ये बोला। कहती ठीक है, कब एक्सपायर हो रहा है? मेरे पास तो 22 दिसंबर को मेरा इंटरनेशनल जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे से मांगा नहीं, दिखाओ मुझे। तो फिर मैंने सीधा बोल दिया कि क्या पता मांग भी सकते, मैं झूठ बोल तो सकता नहीं हूँ। मैंने कहा 22 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला ओके, बिफोर इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर विल यू गेट द मल्टी लाइसेंस। मैंने कहा अगर 22 तारीख से पहले पहले अगर मेरी फाइनल डेट अगर मुझे मिलती है तो डेफिनेटली मैं लाइसेंस ले लूंगा। दिस टाइम आई एम श्योर, मुझे पता लग गया है, मैंने अपनी प्रीवियस जो मेरी जो मिस्टेक्स थी उससे मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, तो फेल होने का अब इतना सवाल होता नहीं है। मैंने ऐसा बोला उनको, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फिर वो हो गई थी कि हाँ भी बंदा ले सकता है लाइसेंस। तो फिर मेरे को उन्होंने फिर ब्लू पेपर उन्होंने फिर क्या किया कि दो पेपर उन्होंने प्रिंट आउट निकाले, एक तो ब्लू पेपर था एक वाइट पेपर था। उन्होंने दोनों पेपर से में मेरे से साइन ले लिए, और जो वाइट पेपर था उन्होंने अपने पास रखा और ब्लू पेपर मुझे दे दिया। और मेरे को और जो मुझे बोला कि आपको जल्दी मिल जाएगा आईडी। सोचने वाली बात ये, देखने वाली बात ये दोस्तों, कि जो मुझे ब्लू पेपर जो मुझे मिला है, पहले क्या होता था कि जो पेपर होता था ब्लू पेपर वो 3 महीने के लिए देते थे ये। अब मुझे मिला है जो एक्सपायरी डेट है वो 3 मई को है, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने की ही वैलिडिटी है, मोर देन 5 महीना हो गया, 5.5 महीना, 5.5 महीने की वैलिडिटी वाली मुझे ब्लू पेपर मिला है। अब देख लो कि कितना लेंथी है, मे बी कार्ड लेट भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है। जैसे मुझे कार्ड मिलेगा मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को, और पता लग जाएगा कि हमें कितने दिन के बाद मिलता है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी नहीं करना है, अगर आपका वीज़ा रिन्यू है तो लीज एग्रीमेंट मत लेके जाना, ठीक है? और जो आपने चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाया होता है वो लेके जाने की जरूरत नहीं है, और जो हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल होता है ये लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि आप जब वीज़ा आप दोबारा रिन्यू करवाते हो उस समय आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट चाहिए होती है, वो आपने सबमिट करनी होती है एचआर को। एचआर जब अप्लाई करता है उस समय आपसे लीज एग्रीमेंट एंड हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल मांगता है एचआर आपसे, वही उस समय सबमिट हो जाता है, ठीक है? उसकी रिपोर्ट आती होती है, जो उसकी जो रिपोर्ट आई होती है वही आपने लेके जाना होता है रिन्यू के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट लेके जाने जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत, कॉपी भी चाहिए नहीं, इन डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं कैरी करके तो लेके गया था लेकिन चाहिए नहीं। हाँ, अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम माल्टा आए हो, आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, उस समय आपको लीज एग्रीमेंट जो आपका जो ऑनर होता है वो सब फिलअप करके देता है, और हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल, ये सारा का सारा चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए, रिन्यू के लिए नहीं चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।